हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर थर्ड में लेक्चर नंबर 16 दे रहे हैं। इसका टॉपिक है स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल कर्व? स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्री में जो लैकनेस होती है वो क्या कहलाती है? स्क्यूनेस कहलाती है। बी स्टडीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द कर्व, इसमें हम स्टडी करते हैं ताकि हम कर्व के शेप के बारे में आइडिया लगा सकें। डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड इफ मीन नॉट इक्वल टू मेडियन नॉट इक्वल टू मोड। एक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड कहलाता है जब मीन, मेडियन और मोड तीनों ही नॉट इक्वल होते हैं, और इफ द कर्व ड्राउन विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा इज नॉट सिमेट्रिक। और कह सकते हैं कि जो डेटा से कर्व ड्रॉ किया जाता है वो सीमेट्रिकल नहीं होता है, बट स्ट्रेच्ड मोर टू वन साइड देन द अदर, जबकि एक साइड में या दूसरी साइड में वो ज़्यादा स्ट्रेच होता है। ये नॉर्मल कर्व दिखाया गया है यहाँ पे, जिसमें तीनों ही मीन, मेडियन, मोड तीनों की वैल्यू इक्वल है। इसमें इफ वन टेल इज लॉन्गर देन अनदर, मान लो एक टेल दूसरी से लंबी है, बड़ी है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? स्क्यूड कहलाएगा। दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर समटाइम्स कॉल्ड असीमेट्रिक और असीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ सीमेट्री। तो इस तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम असीमेट्रिक या असीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सीमेट्री में है तो असीमेट्रिकल कहलाता है। सीमेट्री मीन्स होता है कि वन हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ए मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, कि एक साइड का जो कर्व का हाफ है वो दूसरे साइड के कर्व के हाफ के बिल्कुल मिरर इमेज है। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद नो स्क्यू। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें सीमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं होती, द टेल आर एग्जैक्टली द सेम, और टेल डाउन और लेफ्ट और राइट साइड में सेम होती है। ए लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए लॉन्ग टेल लेफ्ट टेल, एक लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में लॉन्ग लेफ्ट टेल होती है। लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। दैट्स बिकॉज देयर इज ए लॉन्ग टेल इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि इसमें जो लॉन्ग टेल होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। द मीन इज ऑल्सो टू द लेफ्ट ऑफ द पीक, जो मीन होता है वो पीक के लेफ्ट में होता है। ए राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए लॉन्ग राइट टेल, इसमें लॉन्ग राइट टेल होती है। राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। दैट्स बिकॉज देयर इज ए लॉन्ग टेल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द नंबर लाइन, बिकॉज यहाँ पे जो लॉन्ग टेल होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है नंबर लाइन के। द मीन इज ऑल्सो टू द राइट ऑफ द पीक, जो मीन होता है वो भी राइट में, पीक के राइट में होता है, क्योंकि दोनों दिखाए गए हैं उसमें लेफ्ट स्क्यूड नेगेटिव स्क्यूनेस और राइट स्क्यूड पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसमें जो यहाँ पे लाइन है ये यहाँ से दोनों सिमेट्री आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव स्क्यूड हो गया, नेगेटिव साइड में ज़्यादा चला गया कर्व, इसलिए नेगेटिव स्क्यूड कहला रहा है। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों ही अलग हैं, और सबसे पहले मोड है, देन मीडियन, देन मीन, सिमिलरली इधर आते हैं जब राइट स्क्यूनेस पे, तो उसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाता है इसे, और इसमें भी मीन, मोडन, मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, ये राइट साइड में होते हैं। मोड सबसे बिल्कुल बीच में होता है, सीमेट्रिक होता है एकदम, और मीडियन और मोड बिल्कुल राइट साइड में होते हैं। क्योंकि तो देखा जाए नॉर्मल कर्व में तो तीनों इक्वल सेम कंडीशन में होते हैं, आप सेम वैल्यू के तीनों मीन एंड मीडियन इन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर द सेम नंबर लाइन, व्हाइल द मीन एंड मीडियन इन ए स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिकम डिफरेंट नंबर्स। द लेफ्ट स्क्यू नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव द मीन टू लेफ्ट ऑफ द मीडियन गिवन इन दिस, हियर द लेफ्ट स्क्यू मीन इज टू द लेफ्ट। ए राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव द मीन टू द राइट ऑफ द मीडियन, राइट ऑफ द मीडियन, दिस गिवन राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज टू द राइट स्क्यू लेफ्ट नेगेटिव स्क्यू। ए लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज समटाइम कॉल्ड ए नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट्स लॉन्ग टेल इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑन ए नंबर लाइन। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग टेल होती है नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। ए कॉमन मिसकोसेप्शन इज दैट पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट डिफाइन पीकनेस। इन अदर वर्ड, ए पीक दैट टेंड्स टू द लेफ्ट
is to the skew left skew distribution. This is incorrect. There are two main things to make the distribution skewed left. The mean is to the left of the peak. This is the main definition behind skewness, which is technically a measure of the distribution of value around the mean. The tail is longer on the left. In most cases, the mean is to the left of the median. This is not reliable test for skewness, though, as some distributions, many multimodal distributions, violate this rule. You should think of this general idea kind of rule and not a set in the stone one. Right skewed mean and median. The rule of thumb is that a right skewed distribution, the mean is usually to right of the median. However, the most rule of thumb, there are exceptions. Most right skewed distribution you come across in elementary statistics will have the mean to the right of the median. तो mean median of board का अगर देखा जाए तो left skewed और right skewed किस तरह से होता है ये normal curve है. हमें left skewed curve देखना है इसमें. तो skewed left इसमें देखता हूँ, उसमें usual diagram आता है negative skewness में. इसमें mean median और mode इस तरह से हैं decreasing order. सिमिलरली इस तरह है मीन मोड यदि नेगेटिव स्किनेस में इस तरह दिखाए गए हैं और पॉजिटिव में इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इस तरह से हमने आज स्टडी किया अबाउट द स्क्यूनेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल कर्व क्या होती है, ये कर्व को हम स्ट्रेच कर देते हैं लेफ्ट या राइट साइड में, उसमें स्क्यूनेस आ जाती है, लैक ऑफ सिमेट्री. ये नॉर्मल कर्व है, इसमें मेन मीडियन मोड दोनों ही इक्वल है नॉर्मल कर्व में, लेकिन जैसे स्क्यूड होता है कर्व तो उसमें मीन मोड और मीडियन तीनों ही नॉट इक्वल हो जाते हैं. अब दो तरह के होते हैं लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन और राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन. लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में लॉन्ग टेल लेफ्ट टेल होती है, जबकि राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में लॉन्ग राइट टेल होती है. तो इसमें जो मीन होता है और लेफ्ट ऑफ द पीक होता है, जबकि मीन इसमें होता है राइट स्क्यू में राइट ऑफ द पीक होता है. ये दोनों के डायग्राम बताए गए हैं कि मोड सबसे पहले जीरो पे होता है, देन मीडियन, देन मीन. इसमें मोड जीरो पे होता है, मीडियन एंड मीन, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड, दोनों में इस तरह से डिफरेंस है. इसके बाद मीन एंड मीडियन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बताया हमने कि मीन इस तरह से होता है इसमें और मीडियन यहाँ पे होता है, इस तरह से डिफरेंस होता है दोनों में. इस तरह से मीन और मीडियन इसमें राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं. तो इस तरह से हम इसमें करते हैं. इस तरह से कंप्लीट हुआ लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.